Hello and very good morning to one and all. I am Dr. Rakesh Singh Parasthi, Assistant Professor of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने YouTube एकेडमिक चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल्स है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वो प्रोवाइड कराता हूँ, एज वेल एज आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर कैरियर. ओके, तो इसी श्रृंखला में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में जो लागू की गई है, विश्वविद्यालयों में महाविद्यालय में जो लागू की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो सिलेबस, उसके इसी क्रम में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ आधार पाठ्यक्रम, जिसे हिंदी में बोलते हैं एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड फाउंडेशन कोर्स. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जिन्होंने अपने मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में ये जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा. यदि जो भी ये पाठ्यक्रम है इसको यदि कोई भी स्टूडेंट डीपली इनका लर्निंग यदि कर लेते हैं वो, तो डेफिनेटली वो उनके लाइफ में अपना जो कैरियर है बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, जो भी वो टारगेट है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सिलेबस डिजाइन किया गया है वो एक जॉब ओरिएंटेड है. तो इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ आज इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में फाउंडेशन कोर्स. ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा इस दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी बहुत से विद्यार्थियों में ये कंफ्यूजन है कि फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कितने नंबर का पेपर्स बनेगा, क्या इसमें CCA होंगे या नहीं होंगे, इनकी एग्जाम पैटर्न क्या होगी, कितने मार्क्स का आएगा, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या शॉर्ट आंसर टाइप होगा, क्या रिटेन होगा कि OMR वाला गोले लगाने वाला होगा. ये सारी डाउट जो है आप लोगों के डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी. तो मैं सभी स्टूडेंट से यही चाहूंगा कि आपके अंदर यदि कोई भी यदि कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में रखिएगा. तो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. ये जो आपका सिलेबस है, इसके जो सिलेबस के लिंक मैं ग्रुप अपने इस चैनल में डाल दूंगा लिंक को, तो उसके माध्यम से आप अपना सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के साथ यह डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी में कंफ्यूजन है अभी कि माइनर सब्जेक्ट क्या, मेजर क्या होता है सर, इलेक्टिव क्या होता है, फिर आपके वोकेशनल क्या होता है, फाउंडेशन ये. तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि स्नातक प्रथम वर्ष में आइदर यू आर स्टूडेंट फ्रॉम BA आर BSc आर BCom आर BHSc, सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स एक जैसे है, एक समान है. ओके, तो सबसे पहले आप ये समझे, आप सभी लोगों ने मेजर सब्जेक्ट चूज किए होंगे. मेजर सब्जेक्ट में दो पेपर होंगे, जिसमें एक थ्योरी पेपर होगा और एक प्रैक्टिकल होगा. फिर जो सेकेंड पेपर होगा वो T2 के नाम से आएगा, थ्योरी 2, और उसका भी प्रैक्टिकल होगा, वो मेजर हुआ. और जो माइनर सब्जेक्ट आपने चूज किए होंगे, माइनर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको इसलिए प्रॉपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताऊंगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को आसानी से और प्रॉपर वे से समझ में आए. पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, मेजर आपने लिया जैसे इंग्लिश लिटरेचर लिया, तो इंग्लिश लिटरेचर के दोनों पेपर आपको पेपर फर्स्ट और सेकेंड पढ़ने पड़ेंगे. पेपर फर्स्ट में भी दो पेपर होंगे, एक थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर. इसी तरह से पेपर सेकेंड जो होगा उसमें भी एक थ्योरी होगा, एक प्रैक्टिकल होगा. और मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने माइनर सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस लिया, तो पॉलिटिकल साइंस यदि वो माइनर के रूप में लिया है तो कौन सा पेपर पढ़ेगा, वो पढ़ेगा पेपर सेकेंड का. जैसे मान लीजिए कि वो पेपर फर्स्ट का नहीं पढ़ेगा, वो पेपर सेकेंड का थ्योरी पेपर पढ़ेगा और प्रैक्टिकल पढ़ेगा, ठीक है. इसके बाद आप लोगों ने जो तीसरा जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे वो ओपन इलेक्टिव के रूप में है, ठीक है. तो ओपन इलेक्टिव में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, और आप सभी लोग चूज कर ही लिए होंगे, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज मेरा टॉपिक है और टारगेट है फाउंडेशन कोर्स, लेकिन मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताना चाह रहा था. तो ओपन इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट आपने चूज किए होंगे,
इसके बाद आपका एक पेपर होगा व्यवसायिक पाठ्यक्रम, जिसे वोकेशनल कोर्स बोला जाता है। और मैं अपने महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी क्लास लेता हूँ। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितने नंबर का होगा, इंटरनल मार्क्स कितने होंगे, एक्सटर्नल कैसे होंगे, प्रैक्टिकल कैसे होंगे, क्योंकि उसमें भी प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी में प्रैक्टिकल रखे गए हैं। तो वो सारी चीज, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वोकेशनल के लिए। तो इसके बाद आपका वोकेशनल जो कोर्स हो गया, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने लिया, कई बच्चों ने लिए होंगे फूड एंड न्यूट्रिशन, कई लोगों ने लिए होंगे डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ऐसे अलग अलग जो अपने यहाँ वोकेशनल सब्जेक्ट, लगभग अभी मध्य प्रदेश में 25 जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे, तो उनके ऊपर मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी लेंगे और हम उसमें आपको पूरा जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। वोकेशनल के बाद आप लोगों का एक फील्ड वर्क होगा, जिसमें एक प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। यदि इंटर्नशिप लिए हैं तो इंटर्नशिप के बारे में, तो उसके लिए भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आता है आपका फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स के चार पेपर होंगे, ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में है कि पहले जैसे पैटर्न में, पुराने पैटर्न में तीन पेपर होते थे, हिंदी का, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, और आपका जो इंटरप्रेनरशिप होता था पुराने पैटर्न में। लेकिन अब जो है पैटर्न हैज बीन टोटली चेंज्ड। नाउ योर फाउंडेशन कोर्स अब कितने होंगे, फोर फाउंडेशन कोर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें एक हिंदी भाषा रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज जिसको मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ, तीसरा होगा आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण जिसे बोलते हैं, चौथा होगा आपका योग का, ठीक है। तो ये चार पेपर आपके फाउंडेशन कोर्स रहेंगे और चारों पेपर 50-50 मार्क्स के रहेंगे, दो दो क्रेडिट के रहेंगे, और उनका मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेगा वो 17 रहेगा। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, मैं आज इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये कितने नंबर का होगा और कैसा इसका पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझें कि ये जो सिलेबस है, ये यूजी लेवल, यूजी लेवल इट मीन्स दैट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी के लिए है फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। तो इसका जो मेन टारगेट है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो ये आप समझिएगा। टू स्टडी दिस कोर्स, स्टूडेंट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दिस कोर्स विल बी स्टडीड बाई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यूजी लेवल अंडर द फाउंडेशन कोर्स कैटेगरी, ओके। इसका मेन टारगेट क्या है, इसका मेन टारगेट ये है कि प्रिपेयर फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय डेवलपिंग देयर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज। सो डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर दैट कि यदि आप इसको डिटेल में, पूरे सिलेबस जो डिजाइन किया गया उसको आप स्टडी करेंगे, डेफिनेटली आप एबल हो जाएंगे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के लिए। क्योंकि इसमें ऐसे जो ग्रामर कोर्स हैं, ऐसे आपके जो रीडिंग राइटिंग जो भी स्किल्स हैं इसकी, वो उसको समाहित किया गया है। तो डेफिनेटली ये जो कोर्स है आपका डिजाइन किया गया बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, जिसके माध्यम से यू कैन क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस इन इंग्लिश, ओके। एज वेल एज प्रमोट ये देयर कंप्रेहेंशन स्किल्स बाई बींग एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ टेक्स्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, एंड बिल्ड एंड इनहांस देयर वोकेबलरी, डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, बाई स्ट्रेंथनिंग ग्रामर एंड यूजेस, एंड फॉर विच यू शुड हैव द गुड कमांड ओवर अ ग्रामर कोर्स, ओके। तो ग्रामर कोर्स जो होती है, एज यू नो दैट ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज, एंड इफ यू हैव द गुड कमांड ओवर ऑफ ग्रामर कोर्स, डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज इसमें रहेंगे। तो ये देखिए टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 50 का रहेगा और मिनिमम 17 रहेगा। आगे देखते हैं आपका जो सिलेबस है, योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इंटू थ्री मेन यूनिट्स। अब ये भी मत रखिए कि तीन यूनिट बना हुआ है तो ऐसे निकालें, ऐसा नहीं है। है तो तीन यूनिट, लेकिन इसको कैसे डिवाइड किया गया है। इन द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग यूनिट्स यू विल हैव टू स्टडी अबाउट सम पोएम्स, सम शॉर्ट स्टोरीज, सम मोरल स्टोरीज, ओके। तो पहले यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मैं इनका जो हर जो लेसन है उनका लेसन वाइज मैं यूट्यूब चैनल में डालूंगा वीडियो बना बना करके, लेकिन आज मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इस सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, विच इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। इसका कीवर्ड है पैट्रियटिज्म, तो इसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी डाल रखा है, उसको आप देख लीजिएगा डायरेक्ट यहाँ से। क्योंकि ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूरे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा पेपर होता है
क्योंकि वो कोई भी कंपटीटिव में रहे एग्जाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आते हैं, तो इसी चीज को ध्यान में रख करके ऑब्जेक्टिव पेपर आपके रहेंगे। आपको वो जो यूनिवर्सिटी का इस बार पेपर होगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वैकल्पिक वाला, जिसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन रहेगा कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ओके, एंड यू विल हैव फोर ऑप्शन, और आपके ऑप्शन चार रहेंगे। जैसे पहला कर दिया जाएगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुल्कराज आनंद, सी मोहनदास करमचंद गांधी और डी ए एल बसा। सो योर आंसर विल बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके। दूसरे रूप में इसको पूछा जा सकता है कि विच पोयम इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन योर सिलेबस, तो आपके सिलेबस में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी कविता लिखी गई है, तो क्या कहोगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ओके। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द की वर्ड ऑफ द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो क्या लिखेंगे आप, पेट्रियटिज्म। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बनाया हूँ, आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। इसका यदि कभी कभी सबटाइटल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द पोयम गीतांजलि, क्योंकि ये जो लिया गया है गीतांजलि से लिया गया है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। आप सभी लोगों को पता है गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि का सबटाइटल है सॉन्ग ऑफरिंग। गीतांजलि दो शब्दों से मिलकर बना है, गीत और अंजलि, ओके। तो उसको उसके जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो फ्रेंड था, एक इंग्लिश के महान कवि है वो W.B. Yeats, उन्होंने ये दिया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो इस लिखे गए जो नोबेल प्राइज विनर बुक है गीतांजलि, उसको उन्होंने सॉन्ग ऑफरिंग नाम दिया था, गीत अंजलि, इट मीन्स दैट सॉन्ग ऑफरिंग, ओके। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द पोयम गीतांजलि, तो वो भी याद रखिए। कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको, चाहे इधर से आए इधर से आए, आपको आंसर आने चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो लेसन है आपका नेशनल एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चली रही है, तो इसी संदर्भ में इसको भी रखा गया है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत पहले एक कल्पना रखी थी कि हमारे देश की राष्ट्रीय एजुकेशन कैसे हो, इसके बारे में है। तो इसका कीवर्ड है एजुकेशन, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन आपको स्टडी करना पड़ेगा द एक्स के बारे में, एक जो कुल्हाड़ी होता है लकड़ी काटने वाला, तो उसके बारे में है। तो इसके राइटर कौन है, R.K. नारायण, इसका पूरा नाम पूछ दिया जाएगा, तो याद रखिएगा रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। नाम से पता चल रहा है कि साउथ से है, तो डेफिनेटली इनका जन्म हुआ था मद्रास में, नाउ इट इज कॉल्ड चेन्नई, ओके। तो इन्होंने द एक्स के रूप में लिखा है। इसके जो प्रोटैगोनिस्ट होते हैं, एक वेलन होता है, ठीक है, वेलन नाम के एक लड़का रहता है, ठीक है, तो वो जो है एक मरगोसा ट्री लगाता है। ये सारी से बहुत अच्छी स्टोरी है, तो मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर है। मैं इसको पार्टिकुलर जब मैं वीडियो डालूंगा हर लेसन का, तो उसमें आप देखिएगा। द वंडर दैट वॉज इंडिया A.L. बॉसम के द्वारा लिखा गया है, और इसका जो कीवर्ड रहेगा इंडियनेस रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट जो फिफ्थ लेसन है, प्रीफेस टू द महाभारत, सी राजगोपालचारी के द्वारा लिखा गया है। महाभारत को आपका प्रीफेस पढ़ना है, पूरा महाभारत पढ़ना नहीं है। वैसे महाभारत तो आप लोग अभी कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन लगी थी, सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे, तो आपको क्लियर समझ में आ ही गया होगा। तो उसका प्रीफेस पढ़ना है आपको, यानी इंडियन मैथोलॉजी, मतलब जो भारतीय जो पौराणिक कथाओं के बारे में इसमें हमको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट हुआ, और यूनिट सेकंड में यदि आप हम बात करें, तो इसमें कंप्रेहेंशन स्किल्स रहेगा आपका, कंप्रेहेंशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए। इट मीन्स दैट आपके सामने एक वहाँ क्वेश्चन रहेंगे, अनसीन पैसेज फॉलोड बाय द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। तो अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, अनसीन किस शब्द से बना है, यदि हम अन को काटें तो सीन बचा, सीन मतलब देखा गया, सीसा सीन, ओके। अनसीन अनसीन इसलिए होता है क्योंकि हम एग्जाम के पहले उसको सीन नहीं किए होते हैं, लेकिन एग्जाम में अचानक से देखते हैं, तो अनसीन कहलाता है, अपठित, ओके। तो एक पैसेज दिया रहेगा, एक दिया जा सकता है, दो दिया जा सकता है, और उसमें फिर चार पांच मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, उसको उस पैसेज को अच्छी तरह समझने के बाद हम वहां से क्वेश्चन का आंसर देंगे, ओके। बहुत इजी होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप कूल माइंड से पढ़िएगा, सिस्टमेटिक पढ़िएगा, और अपने ऊपर विश्वास करिएगा कि आई कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, ओके। थर्ड जो यूनिट है आपका बेसिक लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में कमांड होना बहुत जरूरी होता है, और खास करके लैंग्वेज स्किल्स, तो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो फोर बेसिक स्किल्स है लैंग्वेज की, यदि इसमें कोई भी स्टूडेंट अच्छा कमांड है इसमें, तो किसी भी प्रकार की दुनिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आसानी से उसमें क्लियर कर सकता है।
तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे वोकेबलरी बिल्डिंग, पढ़ेंगे सफिक्स प्रेफिक्स, जो जैसे सफिक्स जो हिंदी में एक बोलते हैं इसको उपसर्ग प्रत्यय, प्रेफिक्स की बात करें प्रीफिक्स, मान लीजिए कि हैप्पी शब्द है तो नीचे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में रहेंगे कि एक ऐसा मतलब सुटेबल प्रेफिक्स मतलब पिकअप करके और इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए। तो जैसे हैप्पी है उसमें हमने अन लगा दिए पहले तो क्या हो गया वो अनहैप्पी हो गया, ये प्रेफिक्स। और जैसे सफिक्स जो बाद में शब्द जोड़ते हैं, जैसे हम कहेंगे नॉलेज, लास्ट में एबल शब्द जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा नॉलेजेबल। ओके इस तरह से। तो जैसे जो पहले जोड़ेंगे प्रेफिक्स लास्ट में जुड़ते हैं सफिक्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आप जानते हैं, पर्यायवाची विलोमार्थी जो शब्द होते हैं, ठीक है। होमोनिम्स होमोफोन्स, ये जो एक शब्द होते हैं उनके कई मीनिंग होते हैं, ये वाला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कई शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है, कि जैसे हम कहेंगे कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, वह जो ईश्वर पे विश्वास करता है वो क्या कहलाता है, हिंदी में बोले तो आस्तिक कहलाता है। तो इस तरह से इसको जो नहीं करता वो नास्तिक कहलाता है, तो इसको जो बोला जाता है थीस्ट अथीस्ट। ओके ये सारी चीजें हैं इसमें पढ़ेंगे। और बेसिक ग्रामर ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो दोबारा आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ग्रामर कोर्स चाहे आप 8th में पढ़ो, 10th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, इंग्लिश वही होती है। इसलिए आपको एक बार मन लगा के अच्छे से स्टडी करना होगा तो जो पूरे लाइफ में आपको वो काम आए, ठीक है। जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सारी चीज पढ़ने पड़ेंगे। नाउन क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एंड थिंग, एक नाम होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के, जानते हैं। देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव, बट मॉडर्न ग्रामर इट हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जिनकी गिनती कर सकते हो काउंटेबल, जिनकी गिनती नहीं कर सकते मात्रा बताते हो अनकाउंटेबल। ओके प्रोनाउन जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन होंगे। ओके और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है। ओके जैसे हम कहेंगे प्रिया इज ए गुड गर्ल, यहाँ प्रिया क्या है, नाउन है। ओके तो गुड शब्द उसकी विशेषता बताई नाउन की, कि प्रिया कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है, बुरी लड़की है। ओके तो वो अच्छी लड़की है। इस तरह से वर्ब होता है, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। एडवर्ब होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाएगी, वो एडवर्ब होगी, याद रखिएगा। जैसे हम कहेंगे प्रिया स्पीक्स स्लोली, प्रिया कैसे बोलती है, धीरे धीरे, यहाँ उसके बोलने की क्रिया को मतलब वो मॉडिफाई किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है। एडजेक्टिव में याद रखिएगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगी, लेकिन एडवर्ब में जो हमारा वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसकी विशेषता बतलाई जाती है। प्रोपोजिशन आप जानते हैं, इट, ऑन, अपॉन, इन, इनटू। ओके आर्टिकल्स के बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो डाल रखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। डिफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल जैसे ए एन द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस को डिजाइन किया गया है, जो बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। कोई भी स्टूडेंट यदि इसको प्रॉपर वे से स्टडी करता है तो डेफिनेटली किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आसानी से वो निकाल सकता है। और इसका जो एवेल्युएशन होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसके एवेल्युएशन असेसमेंट होगा, तो ये मैं सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर में सीसी इस बार एग्जाम नहीं होंगी। जो कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन सीसी जो फाइल जमा करते हैं ना, वो फाउंडेशन कोर्स में नहीं होंगे। हाँ आपके सब्जेक्ट में होंगे, जैसे मेरे कोई इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो उनके सीसीए सबमिट होंगे, सीसीए एग्जाम होंगे, इंटरनल असेसमेंट, लेकिन फाउंडेशन कोर्स में सीसीई एग्जाम नहीं होंगे। पूरा ये जो है यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि 50 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन पहले 3 घंटा का पेपर हुआ करता था, नाउ ये जो रिड्यूस्ड होकर के अब सिर्फ 2 घंटे के पेपर होंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अब सिर्फ 2 घंटे के पेपर होंगे, 50 नंबर के पेपर आएंगे, ठीक है। और ये रहेंगे पूरे 50 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट वन करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ओके ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन आपकी यूनिट फर्स्ट से ही पूरे ये बनेंगे, जो खास करके ट्रू फॉल्स टाइप वहां से बनने के पूरे चांसेस हैं, और आपके ग्रामर कोर्स से पूरे बनेंगे। टू बी आस्केड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, पूरे जो क्वेश्चन होंगे, हर जो पेपर क्वेश्चन होगा वो एक एक नंबर के होंगे, तो पूरी यूनिट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि 50 है, 50 को आपके सही किया तो पूरे 50 नंबर मिलेंगे।
पहले क्या होता था पुराने पैटर्न में, यदि हमको लॉन्ग आंसर टाइप होगा 5 नंबर का है तो अच्छे से हम लिखे तो चलो हम कहें कि 5 में से 3 नंबर मिल जाता था, 4 नंबर मिल जाता था, इट इज क्लियर। बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा जो कम्पिटेटिव एग्जाम पेपर, इसको डिजाइन इसलिए ही किया गया है क्योंकि इसके बाद आप कम्पिटेटिव एग्जाम की एग्जाम देंगे तो उसके पहले ही आपको एक तरह से मतलब जो है मैच्योर कर दिया जाता है, ट्रेंड कर दिया जाता है, ताकि आप जब कम्पिटेटिव एग्जाम करें तो उस समय किसी प्रकार की समस्या ना जाए। तो ध्यान रखिएगा, यदि सही है तो सही नंबर मिलता है डियर स्टूडेंट, यदि वो गलत है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में आपको चांसेस है कि थोड़ा बहुत गलत भी है तो चलो 5 नंबर का है तो 2 नंबर दे देते हैं, हम लग रहा था 1 नंबर दे देते हैं, 3 नंबर दे देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई वो मतलब प्रावधान नहीं है। यदि सही है तो सही मिलेगा, गलत है तो गलत मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, तैयारी प्रॉपर करिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में तैयार करने के लिए मैं आपको एक होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, जितने भी ये लेसन है इनके नाम याद रखिए, इनके राइटर नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल माइंड में रट डालिएगा। क्योंकि पहला लेसन है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशनल एजुकेशन हु इज द राइटर, एम के गांधी, द एक्स हु इज द राइटर, आर के नारायण, द वंडर दैट वॉज इन इंडिया, ए एल बसाम, प्रीफेस टू महाभारत, सी राजगोपालचारी। सो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, इसमें यहाँ से जो आपके ट्रू फॉल्स और डू एज डायरेक्टेड के रूप में इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई, एक बार मैं तुरंत रिवाइज कर देता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, सीसीई एग्जाम फाउंडेशन कोर्स में नहीं होगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 17 होगा, मैक्सिमम 50 होगा। ऑब्जेक्टिव में ये फायदा है 50 पूरे करोगे तो पूरे मिलेगा, क्योंकि थ्योरी में कभी क्या होता था कि यदि 50 नंबर का है तो पूरे सही भी लिखा फिर भी हम 48 49 ये दिया जाता था, लेकिन अब 50 में 50 नहीं बनेंगे तो समझ गए अब कि 0 नहीं लाना है आपको, 50 में 50 लाना है। किसी प्रकार कोई डाउट रहे तो कमेंट्स कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक्स।